तो गाइस आज हमने करनी है एक बैंक रॉबरी, वो भी शायद गोल्ड की। हिली ना यहाँ से, हिली ना तू यहाँ से, हिलेगा ना तेरा ये जो खोपड़ी है ना, ये गई कहाँ से? कोई इसने मुझे बताया नहीं। ओए कमॉन कमॉन। और यार हमने टेक ऑफ कर लिया है, बहुत अच्छे से टेक ऑफ कर लिया है। सो यो भाई लोग, मैं हूँ गेमर X123 और आप कैसे हैं आप सभी? यार अगर आपने ये जो है ना इंट्रो पहचान लिया ना, तो यार मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि ये कुछ मैंने एक चैलेंज रखा हुआ है। अगर आप कुछ यूट्यूबर्स का मतलब अगर आप क्या कहना चाहिए हमें लहजा जानते हैं, तो प्लीज़ यार कमेंट में बता देना, और अगर आपने पहचान लिया तो यार बहुत अच्छे। अच्छा तो गाइस आज हम क्या करने वाले हैं, यार आज हम खेलने लगे हैं GTA 5 दोबारा से, जो कि हम हमेशा से भी करते आ रहे हैं। तो गाइस आज हमने करनी है एक बैंक रॉबरी, वो भी शायद गोल्ड की करें। और अब इसमें हमारी मदद करने लगा है ट्रेवर फिलिप्स, और आज माइकल करेगा, आज फ्रैंकलिन नहीं कर रहा। फ्रैंकलिन पहले ही बहुत अमीर है, तो छोड़ो यार फ्रैंकलिन को, वैसे भी लाइबर्टी सिटी भाग गया था। अच्छा अब हमने ये डॉक्टर का मैसेज आ रहा है, चल हट डॉक्टर पागल, बहुत ही पैसे खाता है ये मेरे ना। तो यार आज हमने बैंक रॉबरी करनी है और उसकी सारी तैयारियां हम करने लगे हैं आज। सारी तैयारियां मतलब ऐसे कि ट्रेवर के पास आउटफिट्स पड़े हैं जिससे हम रॉबरी करेंगे, और वेपन्स पड़े हैं जिससे मतलब वो हमारी मदद करेंगे बैंक रॉबरी के अंदर। तो गाइस फिर चलते हैं ट्रेवर के पास। तो गाइस एक इसके अंदर ट्विस्ट ये है कि आज हम अपनी ग्रीन लैम्बोर्गिनी टेक्नो गेमर्स वाली पे वो करने वाले हैं बैंक रॉबरी, क्योंकि यार ये जो दूसरी गाड़ी है ना, ये है बहुत ही स्लो। जब से मैंने इस गाड़ी को इस्तेमाल किया है ना, ये लैम्बोर्गिनी को, इसको मैं भूल गया हूँ। वैसे भी ये अमांडा की गाड़ी है, अगर अमांडा की गाड़ी को कुछ हो जाए तो अमांडा ने हम पे गुस्सा होना है, चवल है ना अमांडा, उसको क्या पता कि हम कितना खरबोपति होने वाले हैं इस बैंक रॉबरी के बाद। खरबोपति मतलब करोड़ोपति होने वाले हैं। सो गाइस फिर मैं जा रहा हूँ अपनी लैम्बोर्गिनी निकालने लगा हूं, और बस फिर गाइस ट्रेवर से मिलते हैं। सो गाइस अब इसके अंदर ये है कि ट्रेवर ने हमें बताना है कि कौन सा जो वाला जो बैंक है उसकी सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी वीक है, वो हमें बताएगा, क्योंकि उसको ज़्यादा नॉलेज है। वो बैंक और इस तरह के शॉप्स वगैरह डाके मारता रहता है उनके अंदर, तो फिर वो उसको हमसे ज़्यादा बेहतर पता है। हम तो रिटायर हो गए थे काफ़ी अरसे पहले ही बैंक रॉबरी से, बस फ्रैंकलिन के साथ एक बैंक रॉबरी करनी पड़ गई थी अगर आपको याद हो तो। मार्टिन मद्राजो हमसे पैसे मांग रहा था, तो बस इसीलिए हमको एक रिटायरमेंट अपनी वापस लेनी पड़ गई और करनी पड़ गई रॉबरी। तो ये खड़ा है हमारे सामने ट्रेवर, और अब हम इसको हॉर्न देते हैं। ओए ट्रेवर यार तू तो बिल्कुल ही कार्टून लग रहा है यार। यार गाइस ट्रेवर इतना बड़ा कार्टून लग रहा है, हमें ना कार्टून बना दे यार, डोरेमोन में जाके काम कर यार, इधर ना काम कर यार। बैंक रॉबरी ये कैसे करेगा? वैसे मास्क शास्क अच्छे शच्छे सब पहन के आया है, फिट फाट होके ही आया है, मगर यार कार्टून लग रहा है सबसे ज़्यादा। तो गाइस अब हमें सबसे पहले जाना है किसी कपड़ों की दुकान पे, वहाँ पे चेंज करके हम निकल आएंगे। मास्क वगैरह तो बाद में पहनेंगे हम, वहाँ पे सिर्फ चेंजर रूम यूज़ करने वाले हैं। तो ये वाली दुकान हमको मिल गई है, सुबुराबन। मुझे आज तक इस दुकान को प्रोनाउंस करना नहीं आया यार, पता नहीं अजीब सी ही ये दुकान है यार। अगर आपको आ गया तो यार प्लीज़ कोई वीडियो भेज देना इंस्टाग्राम पे ये किस तरह के नाम है, सुबुराबन पता नहीं किया जो भी। तो मैं चेंज करके आता हूँ गाइज, और देखते हैं ड्राइवर हमारे लिए किस तरह के बकवास कपड़े लेकर आया, कोई कार्टून शार्टून ना बना के लाया। सो गाइज यार ड्राइवर ने मुझे भी एक कार्टून ही बना दिया, जिस तरह का नोबिता नहीं होता उस तरह की ड्रेसिंग कर दी है, लेकिन बस शुक्र है कच्छे नहीं लेकर आए, अंडरवेयर में हमें नहीं बना दिया। और यार आप देख सकते हो शक्ल तो काफ़ी अच्छे से कवर्ड है, बिल्कुल ही रॉक लग रहे हैं हम। और यार ये जो इसके पीछे बैग है ना, ये तो मुझे पता लग गया क्यों है, क्योंकि पैसे इसी के अंदर डालने, ये नहीं पता कि गोल्ड की रॉबरी है या फिर उसकी रॉबरी है, पैसों कैश की रॉबरी है, डायमंड्स की है, जिसकी भी होगी भाई पैसा पैसा होता है, वो हम रख लेंगे चुप करके। सो गाइस अब ट्रेवर ने हमें बता दिया कि किधर हमको मतलब कौन से बैंक को हमने लूटना है, क्योंकि ट्रेवर बाबा को सब पता है। तो मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ किधर हमने जाना है। तो यार ये सबसे ज्यादा वीक सिक्योरिटी वाला बैंक है, तो हम यहाँ पे रॉबरी करने लगे हैं, तो यार चलते हैं। सो गाइस यार हम इस पे रॉबरी करने लगे हैं अपनी लैम्बोर्गिनी पे, जो गेमर्स जिसने सबसे पहले ये गाड़ी खरीदी थी। तो यार मुझे तो यार काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है इस गाड़ी को कुछ और ना हो जाए, पहले भी मैं इसको बचा के आया था इस गाड़ी को, वो जब फ्रैंकलिन को बचाने गए थे तो इसको भी लेकर आ गया था अपने साथ। उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा यार इस पर ठोकरें गोलियों के निशान, तो फिर मैंने इसको दुबई भिजवा दिया था कि वहाँ से सेट सूट होके आ गई है, काफ़ी प्यारी लग रही है। लेकिन यार अब ना मुझे लगता है कि दोबारा ये जो पुलिस वाले हैं ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा इसको बेरहमी से गोलियाँ चलानी हैं यार। पुलिस वालों ना बहुत ही बेरहम आदमी है यार सचिन, गाड़ी का लिहाज नहीं करते हैं, बंदे का भी नहीं लिहाज करते हैं, बंदा चाहे मर जाए चाहे उसकी गलती भी ना उसको मार दें, कोई इनको लिहाज नहीं। पुलिस वाले भी बड़े बेहिस आदमी हैं यार, बहुत ही बेहिस।
लोग हैं ये। सो गाइस, अब सबसे पहली बात तो ये है कि यार ट्रेवर को ना हमने पैसे नहीं देने, ट्रेवर को किसी और हाइस्ट का नाम लालच दे देते हैं, क्योंकि यार अगर ट्रेवर ने अब हमसे पैसे मांगना शुरू कर दिया ना तो हमारे पास इतने पैसे नहीं होंगे कि हम एक शोरूम खड़ा कर सकें। तो यार ये जो ट्रेवर है ना, इसको हमें रोकना पड़ेगा पैसे लेने से, और इसको लालच देना पड़ेगा किसी और हाइस्ट का, और काफ़ी ज़्यादा बड़ी, और हम वो करेंगे भी, ट्रेवर के लिए करनी पड़ेगी, क्योंकि वरना ट्रेवर हमें मार देगा यार। तो यार बैंक आ चुका है। सो गाइस, हम बैंक के अंदर जाने लगे हैं और मेरे पास आ गई है पिस्टल, और मैं पिस्टल उठा के पहले तो हमें कैमरास को शूट करने के कहीं पुलिस वालों को ना पता लग जाए। अलार्म गया काम से, हट परे यार, आराम से लूटने दे हमें बैंक, और जल्दी से मैंने ये सारे कैमरास तोड़ने होंगे। एक यार दूसरा, और हमने इसको तोड़ दिया। अब हमको इन लोगों को डराना पड़ेगा कि ये लोग हमारी दहशत से थोड़ा सा डरे, और दहशत फैलानी पड़ेगी इस बैंक के अंदर। अबे जल्दी से बता दे, वो बैंक का हैक करना पड़ जाएगा हमको। फॉलो द टेलर, अब हमको इस टेलर को फॉलो करना होगा। देखते हैं कौन टेलर है, बड़ा अच्छा आदमी लग रहा है। अबे निकल, चल बे मुछड़, निकल, खोल यार, क्या कर, खोल इसको, हैक कर, ओए खोल तू, चुप करके गालियां ना निकाल, खोल, चल ड्राइवर भी गालियां निकालेगा। अबे खोल इसको उल्लू के पट्टे, हिली ना यहाँ से, हिली ना तू यहाँ से, हिले जाना तो ये जो खोपड़ी है ना ये गई काम से, ठीक है ना भाई। और यार अब हमको सबसे पहले तो लूटना पड़ेगा, और अब हमको ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। तो शुक्र है ट्रेवर हमारे लिए ड्रिलिंग लाया था, और जा यार कितना घंटा लेगा। ओके, हमने सारा लॉक तोड़ दिए हैं, और हमें पता नहीं क्या उठाया, बस कोई मुझे लग रहा है एंटीक सी चीज़ है। तो हम जल्दी से भागते हैं, सिर्फ 6,80,000 ही हमारे बैंक के अंदर आए हैं, तो मेरे ख्याल में ये इतना काफ़ी नहीं होंगे। तो अब हम जल्दी से भागना पड़ेगा, वरना पुलिस वाले हमारे पीछे पड़ गए हैं। आप देख सकते हैं लोग पागल हुए पड़े हैं, और पहले भी ये किरीनी वायरस फैला हुआ था। अबे यार पुलिस वालों, इतनी बेरहमी से गाड़ी या गोलियां ना चलाओ यार, गाड़ियां ना चलाओ, गाड़ियां तो ये चलाएंगे। तो अब मुझे नहीं समझ आ रही हमें किधर जाना चाहिए। मैं पहले इनसे जान छुड़ाने की कोशिश करता हूँ, वरना ट्रेवर से पूछता हूँ कि यार हमें अब क्या करना चाहिए, क्योंकि ट्रेवर के पास प्लान भी था। मुझे बता दी यार, इस गाड़ी वाला कितना चलाक आदमी है यार ये। अबे ना कर यार, शीशे ना तोड़, वैसे अच्छा आर्मर लगाया हुआ है, मगर यार फिर भी ये वैंस बड़ी खतरनाक होती हैं पुलिस वालों की। अबे यार हम पता नहीं किससे अभी टाकरा होने लगा था, काफ़ी अच्छे टायर्स हैं हमारे। अबे यार ये पुलिस वाले ना वैसे एक्सीडेंट करवाने के बाद और बच भी जाते हैं, तेरी खैर पता नहीं क्या हुआ है यार, एक धमाका हुआ है बड़ा गंदा किस्म का, पुलिस वाले फुल ऑन पागल हुए पड़े हैं। अबे यार ये गाड़ी। सो गाइस यार हमें इधर एयरपोर्ट आना पड़ गया, क्योंकि यार और कोई प्लान बी पे ही हमें अमल करना पड़ेगा, वरना यार ये पुलिस वाले तो जान नहीं छोड़ रहे। पुलिस वालों ने हमारा यार काफ़ी सारे टायर्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, मेरे ख्याल में एक टायर हमारा ख़राब भी हो गया यार, बहुत ज़्यादा बुरा किया। अब ये सामने पुलिस वाला, ये कोई ना कोई खच मारेगा, ओह इसको पता ही नहीं लगा। ओके यार अब हमको जल्दी से ना उधर पहुंचना पड़ेगा एयरपोर्ट, और वहाँ पे यार यहाँ पे तो ब्लॉक करके बैठे हैं ये लोग, काफ़ी अच्छा हमने इनको डॉज दे दिया यार, बहुत ही मज़ा आया मुझे तो डॉज देने में, काफ़ी ज़्यादा मास्टर हूँ मैं इनको डॉज देने में। अब यार बहुत गंदी सी लैंडिंग की है, बस आर्मर हमारा अच्छा है, ये अच्छी बात है। सो गाइस हमको सबसे पहले तो यार ये गाड़ी छुपानी पड़ेगी, क्योंकि यार अगर हमने ये गाड़ी ना छुपाई ना तो पुलिस वालों ने हमारी गाड़ी फिर मिलिट्री बेस पे छोड़ाएंगे, और फिर हमको 4-star पुलिस पड़ेगी। अभी तो यार चलो 3-star पड़ी हुई है ना, तो उस टाइम फिर हमें 4 या 5-star की पड़ सकती है। और अभी इनको इतना भी नहीं पता कि हम वही चोर हैं, सॉरी चोर नहीं, हमने वही बंदे हैं जिन्होंने फ्रैंकलिन को बचाने की मदद की थी। ये हमारा प्लेन खड़ा है, लेकिन अभी हम इसको लेते हैं, इसके फ्रैंकलिन का सॉरी ट्रेवर का जो दोस्त है शेफ, उसने हमारी इसमें मदद की है। मेरे ख्याल में ये सबसे अच्छी जगह है गाड़ी को छुपाने के लिए, वरना मेरे ख्याल में और कोई जगह नहीं है। और यहाँ पे हम छुपा देते हैं गाड़ी, और अब हमको यार छुपके से थोड़ा बहुत स्नीक आउट करके चलना पड़ेगा, वरना ये जो पुलिस वाले हैं ना ये हमारी जान नहीं छोड़ेंगे। यार ये हेलीकॉप्टर वाला बहुत तंग कर रहा है, हेलीकॉप्टर वाले ने पकड़ लिया है, अब बस ये हम पे बेरहमी से गोलियां ना चलाए। चल आ जा ट्रेवर, आ जा यार जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, हमें भागना होगा, फुल ज़ोरों से भागना पड़ेगा, वरना यार ये पुलिस वालों ने तो हमारी जान नहीं छोड़नी। बहुत तगड़ी पुलिस है यार अमेरिका की, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी पुलिस है, मैं तो सोच रहा हूँ यार यहाँ से चला जाऊँ कहीं दुबई शुबई। अबे यार इसने हमको तंग करना, शुक्र है इसने गाड़ी मोड़ ली, जल्दी चल बैठ 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 बैठ। अबे ट्रेवर, सो गाइस ट्रेवर बैठने लगा है, बैठ जा ट्रेवर, यार ये हमारा प्लेन ही ना फाड़ दे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन गाइस, हम अच्छी सी
हमने एक बार हमने टेक ऑफ कर लिया तो ये पुलिस वाले हमें नहीं पकड़ पाएंगे, बस ये हेलीकॉप्टर्स का डर है। अबे यार ये हेलीकॉप्टर वाला हमारे साथ आ रहे, कमॉन कमॉन। और यार हमने टेक ऑफ कर लिया है, बहुत अच्छे से टेक ऑफ कर लिया है, और अब हमको सीधा जाना है पैलिटियो बे पे, क्योंकि वहाँ पे पुलिस वालों का जो मतलब काम है ना वो बहुत स्लो है, और एक इधर प्लेन भी लैंडिंग कर रहा है। तो इसको छोड़ो और अब हमको चुप करके से मतलब ये जो सी रूट है वहाँ से हमें जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लैंड वाले एरिया से गए तो यहाँ पे रेडार शेडार में हमने आ जाना है और पुलिस वालों ने फिर हमें पड़ जाना है। बस अब ये जो हेलीकॉप्टर हमारे पीछे पीछे आ रहा है ना, ये एक बहुत ज़्यादा रौला है हमारे लिए। अबे यार शुक्र है ट्रेवर, यार तूने मतलब हमारी जान बचाई। ये ट्रेवर की सारी मतलब ना मास्टर माइंड था, वरना मेरे ख्याल में हम ये अकेले रॉबरी ना कर सकते, और होनी भी नहीं थी यार सच बताऊँ तो। तो यार ये कार्टून जैसे दिखने वाला ट्रेवर काफ़ी ज़्यादा मास्टर माइंड है, क्रिमिनल मास्टर माइंड है इसके अंदर। यार ये जान नहीं छोड़ा मुझे, इसका डर है कि यार ये पागल ही हो गया ये हेलीकॉप्टर वाला। अबे यार जान छोड़ दे यार, क्या है यार। सो गाइज हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बैंक की रॉबरी की है, और यार अब 6,80,000 हमारे हाथ आ गए हैं, और अब हम एक अच्छा सा शोरूम खरीद सकते हैं और थोड़ा बहुत लोन लेंगे और गाड़ियों को किस्तों पे खरीदने वाले हैं। और अब जो ट्रेवर है वो होटल ढूंढने गया है, वहाँ पे हमने कुछ दिन स्टे करना है, उसके बाद हम वापस लॉस सैंटोस जाएंगे। और एक अच्छा सा मोटर स्पोर्ट नाम मैंने सोच लिया अपने शोरूम का, वहाँ पे लैम्बोर्गिनी टेक्नो गेमर्स की काफ़ी सारी रिच यूट्यूबर्स की गाड़ियाँ खड़ाएंगे और उनसे पैसा कमाएंगे, किस्तों पे खरीदूंगा मैं ये गाड़ी। तो गाइज यही थी आज की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है ना यार लाइक जरूर से कर देना यार, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना यार, ये जरूर से किया करो। तो गाइज यार अब अगर आपने मतलब मैं फिर कहता हूँ कि अगर आपने पहचान लिया है जो मैंने इंट्रो पे थोड़ा सा बोला था, अगर आपने वो पहचान लिया तो यार बहुत अच्छे, मैं समझ लूंगा कि आप इन लोगों को देखते हो। तो गाइज यही थी आज की वीडियो, मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। गाइज हमेशा की तरह गुड बाय, पीस आउट और अल्लाह हाफिज़।